सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आखिर 26 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली के तहत लागू किया गया था। 26 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक इतिहास है। सन 1929 यानी 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन पद प्रदान नहीं करती, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाता, तो भारत अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई गणतंत्र दिवस मनाए जाने के लिए। अब मैं आपको भारत के संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान इस तरह 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत में गणतंत्र दिवस का समारोह बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक यानी राजपथ पर नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना, थल सेना आदि सभी भाग लेते हैं। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला डालते हैं, जो कि राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। ये देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं। राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत व कला का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इन झांकियों में भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित होती है। परेड और जुलूस राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है और देश के हर कोने में करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है। हमारे देश के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में गणतंत्र दिवस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश के प्रमुख 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। तो मित्रों, गणतंत्र दिवस के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।